So postmortem appearance, as you all know, for any case, if the term postmortem appearance or the autopsy appearance comes, we should always divide it into two types. One is the external appearance and other is the internal appearance. Okay? So external appearance may, regardless of the fact that it is an antemortem or the postmortem. But what would be the first thing which comes into your mind if the fresh body comes to you? सबसे पहली चीज क्या होगी? हम ये नहीं देख रहे कि किसी ने मार के फेंका है या डेथ हुई है. पहली चीज, एक बॉडी को कोई निकालता है डायरेक्टली और आपके पास फौरन आ जाती है, तो सबसे पहली चीज क्या नोटिस होगी? जैसे एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है ये, शाबाश, कि वेट होगी. ठीक है, अगर आपको रिसेंटली मिली है तो बॉडी वेट होगी. सो सबसे पहले हम जनरली जो अपना सोचेंगे ना, दिमाग में हमारे होगा कि अगर ये केस, क्योंकि पहले से आपको इतना गाइड तो कर देती है कि ये इस रिवर बैंक से मिली है या ये इवन फ्रॉम द रिवर मिली है हमें ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, या ये बॉडी जो है वो फ्लोट हो रही थी ऊपर. ठीक है, तो वो थोड़ा सा आपके माइंड में एक बैकअप होता है जो आपको FIR और उन सब चीज़ों से भी मिल जाता है. सो आपको अपने माइंड में रखना है कि इफ इट इज़ अ केस ऑफ ड्राउनिंग, आई कैन हैव सम स्पेसिफिक साइंस ऑफ एस्फिक्सियल डेथ, नॉन स्पेसिफिक साइंस ऑफ एस्फिक्सियल डेथ. एंड सो फॉर आप सबको अभी तक नॉन स्पेसिफिक याद हो गए होंगे, दैट आर कंजेशन, एडिमा, ठीक है, पिटिकल हैमरेजेस. वो इसमें नहीं होते पिटिकल हैमरेजेस ज़्यादा. तो आपने अपने माइंड में रखने हैं कि मुझे ये नज़र आ सकते हैं इफ़ द ड्राउनिंग हैपन्स और द मोड ऑफ डेथ इज एस्फिक्सिया. बट एज यू ऑल नो, द मोड ऑफ डेथ कैन बी वैगल इनहिबिशन, इट कैन बी सम हेड इंजरी, तो उस साइड से भी हो सकता है. बट इफ इट इज एस्फिक्सिया एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज एस्फिक्सिया, तो हमें वो वाले साइंस भी मिल सकते हैं. सो टिपिकल साइंस, जबकि फ्रेश बॉडी में आपको रिकवर होती है आप, और पुट्रीफेक्शन में जब बॉडी चली जाती है, और मोस्टली यू ऑल नो कि वाटर में बॉडी थोड़ी अरसे विदाउट पुट्रीफेक्शन रह सकती है, बिकॉज आपको पता है एयर, वाटर, लैंड, यू ऑल नो अबाउट. कौन से डिक्टम में ये हमने पढ़ा हुआ है? कैस्पर डिक्टम में. ठीक है, तो बट क्या होता है कि जब आप बाहर लेकर आते हो बॉडी को, तो पुट्रीफेक्शन का प्रोसेस बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है बल्कि. ठीक है, सो इफ़ द पुट्रीफाइड बॉडी कम्स टू यू, मोस्ट ऑफ द साइंस ऑफ एंटीमार्टम और पोस्टमार्टम ड्राउनिंग जो भी थे वो आपको नहीं मिल सकते. तो इवन लाइक इन ऑल केसेस, जितनी फ्रेश बॉडी होगी आप उतने ही ज़्यादा ले सकते हो वहाँ से साइंस एंड सिम्टम्स और जो भी आपके ऑटोप्सी फाइलिंग्स हैं. सो इसमें भी पुट्रीफेक्शन स्टार्ट हो जाएगी तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको नहीं मिलता, अनटिल एक या दो टेस्ट होते हैं जैसे हम डायटोम की बात करते हैं, वो आपको मिल सकते हैं.